हाँ जी दोस्त, कहते हैं छोटी सोच और पाँव में मोच कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 350 प्लस टारगेट की, 300 प्लस टारगेट की। अगर आपके ऐसे टारगेट हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम में तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो देखने से आप दो चीजें अचीव करेंगे। सबसे पहली, अपने अपकमिंग एग्जाम में बड़े टारगेट कैसे अचीव किया जाता है वो जानेंगे, और दूसरा है अपने पास हाथ में ले पाओगे आईफोन। यस, यू कैन विन अ आईफोन बाय वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एंड यस एग्जीक्यूटिंग दैट राइट। मुझे पता है यार, इस वीडियो को सारे स्टूडेंट्स नहीं देखने वाले, केवल और केवल 10% स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बिकॉज जो मैं इस वीडियो में बातें बताने वाला हूं ना, वो हर कोई फॉलो नहीं करना चाहता। आज की तारीख में सारे स्टूडेंट क्या चाहते हैं यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बन जाए, एबीसी एनालिसिस की वीडियो बन जाए, कोई शॉर्टकट तरीका पता चल जाए जिससे मेरे सीए फाउंडेशन में 200 नंबर आ जाए भैया। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टूडेंट है उन बच्चों के लिए जो सीए एक बार में क्रैक करना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक टारगेट रखेंगे 1001 लाइक का, बिकॉज बातें बड़ी बड़ी है तो टारगेट भी बड़ा होना चाहिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद करिए दोस्त, आपको क्लास 11th में 12th में कितने परसेंटेज आए हुए हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में जब आप वो परसेंटेज लिखे तो याद करिएगा, क्या आपको वो केवल परसेंटेज यूट्यूब पर मैराथन वीडियोज देखने से आए हैं, वन शॉट वीडियोज देखने से आए हैं, क्या रिविजन वीडियोज को देख देख कर ही आप इतने परसेंटेज लेकर आए हैं? आपको आंसर मिलेगा नहीं भैया, ऐसे नहीं आए थे। वो परसेंटेज इतने कितने बने, कैसे बने थे इतने ज्यादा परसेंटेज? आपको पता लगेगा सर वो परसेंटेज इसलिए आए होंगे क्योंकि आपने जीतोड़ मेहनत करी होगी, बहुत सारे टेस्ट लिखे होंगे, बहुत बार रिवीजन किया होगा, पहाड़ जैसा सिलेबस होगा, लेकिन आपने हार नहीं मानी होगी। प्री बोर्ड टेस्ट, क्लासरूम टेस्ट, जितनी बार जितने क्वेश्चंस आपसे लिखवाए गए, जितनी बार आपसे फुल सिलेबस टेस्ट लिखवाए गए, उतनी बार आपने वो प्रैक्टिस करी थी। केवल यार बस ऐसे बैठ के यूट्यूब वीडियो चल रहा है, रिवीजन वीडियो चल रहा है, अपन भी उसके साथ चल रहे हैं, तो भाई साहब बहुत जल्दी चलोगे इस सीए के कोर्स में। बहुत जरूरी है कि आप यूट्यूब मोबाइल को पॉज करके, इंस्टाग्राम पर रील्स देखना पॉज करके, खुद के साथ कॉपी किताब लेकर बैठना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं पता है कि यार ये वाली वीडियो भी देख लेता हूं, ये फैकल्टी ने अपलोड करी, ये वाली वीडियो भी देख लेता हूं फैकल्टी ने अपलोड करी, अरे ये मोहित भैया की वीडियो आ गई ये भी देख लेता हूं, मतलब सारी वीडियोस देख ले, सारा ज्ञान ले ले, लेकिन खुद करने का कोई इच्छा नहीं होती है। तो बेसिक्स पर फोकस करना है, जो आप लाइफ में अभी तक अचीव करके आए हो क्लास 11 12 से, जो आपने चीजें करी है वो वापस अभी हमको एक्शन पर डालनी पड़ेगी। तो वादा कर, हां सर अब मैं वापस खुद के अंदर से वो प्रैक्टिस लाऊंगा, ना कि दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा। दूसरी बात मेरे दोस्त, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब भी आपसे कोई पूछता है सीए बनना है, हाँ भैया बनना है ना मुझे सीए बनना है ना करके बहुत जोर जोर से शोर मचाते हो अपने दोस्तों के बीच में, हाँ मैं सीए कर रहा हूँ, पापा मम्मी को भी पता है हाँ मेरा बेटा सीए कर रहा है, वो सबको बता चुके हैं सीए करना है। आपसे भी पूछता है कोई, हाँ हाँ अपने नाम के आगे सीए लगाते हो हर कॉपी में, जब भी अपना आंसर लिखने बैठते हो तो हर कॉपी में नई बुक में सीए अपने नाम के आगे लगा देते हो। लेकिन आपसे कोई पूछता है सारे क्वेश्चंस किए क्या, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कर लिए तूने हर सब्जेक्ट के, तो तुम्हारा आंसर क्या आते हैं, भैया केवल हम लास्ट के दो अटेम्प्ट के एमटीपी कर ले क्या, लास्ट के दो अटेम्प्ट के आरटीपी कर ले क्या? हाँ हाँ बेटा, फिर भी तुम्हारा भी जो एक कट ऑफ होता है ना वो भी काट लेगी आईसीआई अगर ऐसा करोगे तो। बेटा यार मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट्स नहीं लगेगा। हर बच्चा आज की तारीख में क्या सोचता है, यार मुझे करना है। अरे केवल चिल्लाते रहेंगे, केवल ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पर मेहनत करने की बात बारी आती है तो क्यों पीछे हट जाते हो? मुझे पता है ये कठिन है बोलना हर बार करूंगा, लेकिन करना, उन दोनों में फर्क होता है। होप आप इस बात को बहुत जल्दी समझ जाओगे लाइफ। तीसरी बात, टाइम वेस्ट नहीं करना है और ना ही मैं आपका करने वाला हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब हर बार हम नई वीडियो देखते हैं तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं मिलता। मैंने ऑलरेडी आपके लिए 90 डेज की वीडियो बना दी है, उसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज, 1.5 डेज सारी स्ट्रेटजी शामिल है। मुझे एक बार जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपने वो वाली वीडियो देखी या नहीं देखी, और आप उसको इंप्लीमेंट करने चले गए हो या नहीं गए हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो जरूर देखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे दोस्त, तुम सारे मेहनती स्टूडेंट्स के लिए हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स पर लेकर आए हैं बहुत बड़ा गिफ्ट, लेकिन यार ये गिफ्ट ना उन छोटी सोच वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमको लगता है कि भैया यार कुछ भी हो जाए ना अपना बेस्ट दूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा और इस बार 350 प्लस लाकर दिखाऊंगा आपको, कुछ भी हो जाए सीए फाउंडेशन में इस अटेम्प्ट में मेरा निकल ही रहा है, आईसीएआई का परसेंटेज कितना भी लो चले जाए, उन्होंने पिछले अटेम्प्ट के भी बेंचमार्क भले तोड़ दिए हो, मेरा इस बार निकलने ही वाला है, तो वेलकम है जी, आपको मिल रहा है आईफोन एज अ गिफ्ट। लेकिन ये उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो स्टूडेंट 350 प्लस लाने वाले हैं हमारी 1-to-1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज बैच में।
मुझे लगता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल करवा लिया है, लेकिन अगले 5 दिन में जो जो बच्चे एनरोल करेंगे ना टेस्ट सीरीज में, उन सब के लिए ये वाला ऑफर एलिजिबल होगा। मतलब अगर आप अपकमिंग एग्जाम में 350 प्लस लेकर आते हो और आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हो 1-to-1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज स्टूडेंट के, तो आपको मिलेगा आईफोन इफ यू स्कोर 350 प्लस इन दैट मार्क्स। और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है एंड यू आर एनरोल्ड स्टूडेंट, आपको मिलेगा 100% रिफंड पॉलिसी। मतलब अगर जीतोगे तो बहुत बड़ा इनाम, और अगर हारोगे तो भी आपका मनी आपको बैक मिलेगा। लेकिन हाँ, उसमें एक कंडीशन है जो कि बहुत मेहनती स्टूडेंट ही फॉलो करने वाले हैं, जो कि टेस्ट लिखना है, चैप्टर वाइज फुल टेस्ट और मेंटरशिप अटेंड करना है। ये आसान नहीं होता यार। हर स्टूडेंट बोलता है हाँ भैया करना है करना है करना है, हर यूट्यूब वीडियो देखता है, हर वन शॉट वीडियो देखता है, उसको बोलते 3 घंटे लाइव जूम सेशन में आ टेस्ट लिख, नहीं हो पाता है, असलियत में उसकी डैश हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब बहुत जरूरी है आप लोग अंदर से खुद को बोलो यार, कुछ भी हो जाए यार, भैया ने बहुत अच्छा गिफ्ट लगाया, इस बार जान लगा देंगे और सीए फाउंडेशन क्रैक करके जाएंगे। अपने नाम के आगे सीए इस बार केवल लगाना नहीं है, वो लगाना ICAI को मजबूर करना है कि वो लगा के दे हमको, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप इस बार सीए अपने नाम के आगे लगाओ या ना लगाओ, लेकिन मैं चाहता हूं ICAI एक दिन आपके नाम के आगे जरूर लगा दे ये गोल्डन वर्ड्स दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। गो फॉर इट माई स्टूडेंट, ये तुम्हारे को डिजर्व करता है अगर तुम लोग शिद्दत से इसको पाने की मेहनत करते हो। होप आप इस वीडियो के सारी इंसाइट्स लेकर जाओगे, अपना बेस्ट दोगे, पापा मम्मी का नाम रोशन करोगे, जो वो इतने एफर्ट्स करते हैं अपने लिए आप उसको पे बैक करोगे। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, ये वाला नंबर है, व्हाट्सएप कर देना, कितनी सीट्स लेफ्ट है वो आपको बता देंगे। और फटाफट यार जा मेहनत कर, फोड़ दे, मचा दे, और लाइफ में 350 प्लस का टारगेट लेकर सीए फाउंडेशन फोड़ दे। ऑल द बेस्ट।